हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम करेंगे मिनी मॉक टेस्ट फॉर जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, पटवारी के एग्जाम के लिए। और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका 20 में से कितना स्कोर बना है। इस टेस्ट में क्या होगा कि आपकी जीके होगी, आपकी इसमें इंग्लिश भी होगी, आपका रीजनिंग प्लस मैथ भी होगा और आपका कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें इंक्लूड होगा। और टोटल अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूँ तो हमने इसको 20 मार्क्स का रखा है और इसको इसलिए हमने मिनी मॉक टेस्ट बोला है। तो देखते हैं कितने बच्चों का यहाँ पे 15 प्लस स्कोर यहाँ पे आता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह की फ्री मॉक टेस्ट की वीडियोस आपको टिल एग्जाम डेट तक आपको मिलते रहेंगे। सो आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन को देखो और मार्क करो कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। सो विच वाज अ व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन जुलाई 6, 1905 में एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम की बात कर रहा है। सो इसको नाम बताए उस फर्स्ट न्यूज़पेपर का जो उस टाइम लॉन्च किया गया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, संजीवनी विलविदा राइट आंसर। और इसको लॉन्च करने वाले थे के मित्रा। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संजीवनी को लॉन्च करने वाले कौन थे, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। संजीवनी को के मित्रा द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिन्ना टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड ऑन, जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी फाइनली ये कब अडॉप्ट की गई, फाइनली ये कब अडॉप्ट की गई जिन्ना की टू नेशनल थ्योरी। क्योंकि जिन्ना ने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि जो मुस्लिम जो हैं वो उनकी एक अलग कंट्री बननी चाहिए और हिंदुओं की एक अलग कंट्री बननी चाहिए। बाद में हालांकि पार्टीशन भी हमें देखने को मिला था, अगर जिन्ना नहीं होते तो यानी कि पाकिस्तान और इंडिया आज हमारा एक होता। 1940 में ये चीज़ इनकी एक्सेप्ट करी गई थी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोर्ट में आपकी लाई करती है। यहाँ पे आपकी एक इनमें से स्टेट है या फिर आप उसको यूटी भी कह सकते हो। तो बताइएगा पुडुचेरी है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो सिचुएटेड आपकी ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के लाई करती है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द नत्यांजलि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, नत्यांजलि फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी यहाँ पे स्टेट में, गोवा में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सो राइट ऑप्शन विल बी द तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इन कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे। तो बुद्धिज्म जो लाया गया कश्मीर में अशोका द्वारा लगाया गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशोका विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो हमारे 5 क्वेश्चन हुए जनरल नॉलेज के हो चुके हैं, उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे। रमीश वर्क्स डैश टू गेट थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, वर्क्स आ रहा है यानी कि इसका टेंस कौन सा है यहाँ पे, नाम है किसी पर्सन का। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे टेंस की अगर हम बात करूँ तो सिंपल प्रेजेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है, एस लग रहा है। सो रमीश वर्क अर्ली आएगा, डिफरेंट आएगा, हार्ड आएगा कि इंपॉर्टेंट आएगा। तो रमीश वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम। सो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में आपको दिया गया, यानी कि ये जो आपको एक सेंटेंस दिया गया है कि आई वॉज इन्वाइटेड माई अंट, आई वॉज इन्वाइटेड माई अंट। सो यहाँ पे क्या आएगा कि माई अंट इन्वाइटेड मी। सो क्या आएगा, सिंपल क्या है ये, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का जो आपका पैसिव बनता है वो आपका ये बनता है कि वाज के साथ आपका क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे ए यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, शी सेड आई लव टू ईट पाइन एप्पल, नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया। देखो जेके एसएसबी भी इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो शी सेड दैट आई लव टू ईट एप्पल, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन हु बिलीव्स इन हिज फेट, अपनी किस्मत पे जो भरोसा करे, फेट किसको बोलते हैं, फेट पे जो भरोसा करता है उसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट, क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनकरेक्ट यहाँ पे करेक्ट नहीं, एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन कमेटी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और अनाउंसमेंट यहाँ पे गलत है, अनाउंसमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमने इंग्लिश और जीके कर ली, तो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए ज़रूर बताएंगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनिंग का। रीजनिंग में आप देख सकते हो कि ये एनालॉजी है, एनालॉजी कौन सी है, लेटर एनालॉजी है, अल्फाबेट एनालॉजी कह सकते हैं उसको।
आर के बाद कौन बन रहा है, क्यू बन रहा है, यानी कि आर का रिलेशन क्यू से बनाना है। पी क्यू आर, क्यू के बाद कौन आ रहा है, आर आ रहा है, इसका मतलब एच से पहले कौन आता है, जी आता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और वाई के बाद जेड आ रहा है, के बाद कौन आएगा, एल आएगा सर, तो जी एल कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट सीरीज, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 37 है, 43 है, 51 है। 37 और 43 का गैप अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना प्लस हो रहा है इसमें सर, 6 का एडिशन हो रही है। इसमें एडिशन देखो तो 8 की एडिशन हो रही है, इसमें एडिशन देखोगे तो 10 की एडिशन हो रही है, और इसमें एडिशन देख रहा हूँ तो प्लस 12 की एडिशन हो रही है, तो आने वाले में किसकी, 14 की एडिशन होगी। तो 73 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 87। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, पी जो है वो ब्रदर है किसका, क्यू का। पी है जो ब्रदर है किसका, क्यू का, ठीक है। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, आर है जो डॉटर है किसकी, क्यू की। एस इज द सिस्टर ऑफ पी, एस जो है वो सिस्टर है पी की, ओके। क्यू इज द सिस्टर ऑफ एस, क्यू जो है वो सिस्टर है एस की, तो इसका मतलब ये भी कौन है, फीमेल है। एस कौन है, फीमेल है, पी यहाँ पे एक मेल मेंबर है। टी इज़ द ब्रदर ऑफ आर, टी जो है वो ब्रदर है आर का, तो इसका मतलब ये प्लस है, यानी कि मेल मेंबर है, और आर क्या है, फीमेल मेंबर है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि हु इज़ द अंकल ऑफ टी, टी का अंकल कौन है, तो टी का अंकल कौन होगा, पी ही होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 1500, 1500 के बिलो एक नंबर है जो कि डिविजिबल है 16 और 18 के साथ, किसके साथ डिविजिबल है, 16 और 18 के साथ क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, किसका, 16 और 18 का, 16 और 18 का, 2 की पावर अगर मैं करूं, 2 to the 4, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। और 6 3 जा 18, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे इसको फैक्टर बना के, सिक्सटीन आ गया, 18 आ गया, किसके साथ डिविजिबल लग रहे हैं, फ़िलहाल तो ये 2 के साथ ही लग रहे हैं, 8 2 जा 16 और 9 2 जा 18, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 हो गया, 16 2 9 कर दो, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 144, तो एलसीएम कितना आया इनका, 144 आ गया। अब इस नंबर के साथ क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 1500 144 को इससे डिवाइड करेंगे, 144 वन जा कितना हो जाएगा आपका, 144 ही रहेगा। 60 क्या हो गया इसका, रिमाइंडर आ गया, सिंपल सी बात है, 60 क्या आ गया इसका, रिमाइंडर आ गया, तो यानी कि रिमाइंडर को आप क्या करो, इस नंबर से हम माइनस कर देते हैं, 1500 में से रिमाइंडर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कि 0 का 0, और यह हो जाएगा आपका 441, तो 1440, सो 1440 ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन, सम ऑफ द फादर और फादर की एज का सम कितना है, 100 यहाँ पे क्या दिया गया, एज दिया गया, अभी प्रेजेंट की ये इनकी एज है, 5 years एगो देयर एज वाज इन द रेशो ऑफ 2:1, 2:1 की रेशो में थी, यानी कि अगर 5 years एगो की बात करें तो इनकी एज का जो सम कितना होगा, 90 होगा उस टाइम, है ना, 90 सम होगा। सो इसका मतलब ये कह रहा है 2:3 की रेशो की बात कर रहे हैं, तो सन की एज उस टाइम 30 होगी, रेशो के अकॉर्डिंग देखा जाए, सो फादर की एज कितनी होगी, 60 होगी, किस रेशो के अकॉर्डिंग, 2:1 की रेशो के अकॉर्डिंग। द रेशो ऑफ द फादर एज आज से 10 साल के बाद इनकी रेशो क्या होगी, देखो 10 साल के बाद इनकी रेशो क्या होगी, अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो सन की एज 35 है, फादर की एज 65 है, 10 साल के बाद इसकी 45 हो जाएगी और इनकी कितनी हो जाएगी, 75, ठीक है। ये 15 से चला जाएगा 3 टाइम और ये 5 से चला जाएगा 15 5 था, ठीक है,
तो 5:3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर जाएगा, क्योंकि फादर और सन की एज पूछी गई है, फादर एंड सन की एज पूछी गई है, तो पहले फादर की रेशो आएगी, फिर क्या आएगी, सन की रेशो आएगी, 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में ई किस पे स्टैंड करता है, ईमेल में ई किस पे स्टैंड करता है, इन्वायरमेंट पे, एजुकेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल पे। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ISDN स्टैंड फॉर, ISDN किस पे स्टैंड करता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन जो है JKSSB ने अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में भी पूछा गया था, आई थिंक फाइनेंस के एग्जाम में पूछा गया था, मुझे इतना याद नहीं है, 2024 में जो अभी रिसेंटली जनवरी के मंथ में एग्जाम हुआ है, वहाँ पे पूछा गया था इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपडेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वो आपकी SRAM, SRAM। तो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि SRAM जो है ज़्यादा फास्ट होती है कि RAM होती है। उसके बाद है कि IC, चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर मेड विद, IC जो होती है कंप्यूटर। अब मुझे आपने एक चीज़ और बतानी है कि IC का यूज़ कौन सी जनरेशन में यूज़ किया जाने लगा था, कौन सी जनरेशन में इसका यूज़ होने लगा था, ये आपने बताना है, IC की कौन सी जनरेशन में। तो सिलिकॉन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। और नेक्स्ट लास्ट एंड क्वेश्चन इज, डेटा ऑन दी फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन द रिंग्स आर कॉल्ड, डेटा जो होता है फ्लॉपी डिस्क में वो रिकॉर्ड होता है रिंग्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप बोलेंगे, रिंगर्स, अराउंडर्स, सेगमेंट्स। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। देखो जितने बच्चों का यहाँ पे 15+ स्कोर यहाँ पे आ रहा है, बहुत बढ़िया स्कोर है उनका, उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसके बाद आपको हम मिनी मॉक टेस्ट नंबर 2 भी हम आपके लिए जल्दी ही लाएंगे, पटवारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यूनियन स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसका PDF हम आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के काफ़ी टाइम के अपलोड होने के बाद। सो बाय बाय, टेक केयर, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, टेक केयर गाइस।